हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद बघेल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टरी डिफेंस एकेडमी पर। मैं यहाँ एयरफोर्स वाई ग्रुप के जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन थे उन्हें सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, देखो जरा। चलो भाई सॉल्व करते हैं। देखो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व विवाह के समय एक व्यक्ति और उसकी वाइफ यानी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। सही है। अब एक बच्चा पैदा हो गया तो उस व्यक्ति उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष हो गई। बताओ बच्चे की आयु कितनी थी। देखो कैसे करेंगे भाई, 5 साल पहले शादी हुई थी कोई, है ना, मेल और फीमेल रहे होंगे। 5 साल पहले इनके क्या हुई होगी, शादी हुई होगी। ठीक है, तो जो इनकी एवरेज जो एज थी ना वो दी हुई है कितनी, 23। तो उनका सम कितना आ जाएगा, 46। ये तो 5 साल पहले की बात है। आज 10 साल बाद ये दोनों के दोनों कितने के हो गए होंगे, 56 साल के। सही है भाई, 23 दिन 46 10 56। ठीक है, अब हो गया एक बच्चा पैदा, तो यानी बंदे कितने हो गए, 3 बंदे हो गए। अब 3 बंदे हो गए, मेल फीमेल और एक चिल्ड्रन हो गया। ठीक है, और उनकी जो औसत आयु होगी 20, तो यानी कि अगर मैं इनका सम निकालूंगा तो कितना बन जाएगा, 60। कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है बताओ बच्चे की आयु कितनी। एक बात बताओ, यहाँ पर 2 बंदे थे या 3 बंदे हो गए, अगर मैं इसमें से इसे घटा दूँ तो क्या बच्चे की आयु नहीं आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 4 साल आ जाएगी। यही इसका आंसर। कैसे करना, दोबारा सुन लो भाई, एवरेज एज दी हुई थी दोनों बंदे को, तुम ऐसा ओरली भी कर सकते हो, मतलब 23 दुनी 46, 5 साल मेल बढ़ेगा, 5 साल फीमेल, 23 दुनी 46 और 10 56, तो ये हो गए। अब है ना वर्तमान में ये तीनों हो गए, तब उनकी एवरेज दी हुई थी कितनी, 20, तो इनका योग कितना है, 20 दिया 60, 60 में 56 घटा दो कितना आ जाएगा, 4 साल आ जाएगा। हो गया सवाल आसान। तो जरा नेक्स्ट, तुमसे कह रहा है कि ए बी सी में है ना कुछ रुपए इस प्रकार से बांटे गए। देखो किस प्रकार से बांटे गए, कह रहा है ए के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 3 गुना तथा सी के भाग का 2 गुना के परस्पर बराबर। भाई ने दिया हुआ बराबर रहता है ना, सब बराबर है। तो कह रहा है ए बी सी के भागों का अनुपात क्या होगा। जब भी इस तरीके से सवाल आए ना, इस तरीके से बराबर में, तो तुम्हें है ना मतलब बटे में मानो फिर के मानो, उस तरीके मत करो। तो मैंने क्या करो, इनका यहीं से ना एलजीएम ले लो, 5, 3 और 2 का यहीं से एलजीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसको इससे भाग कर दो तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 6 30, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, रेशियो कितना आ जाएगा, 6 10 15 है तो ऑप्शन में, ये अपना आंसर है। सही है, अच्छा है। देखो नेक्स्ट, देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है तीन आदमी अथवा 5 औरतें एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, 6 आदमी तथा 5 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो तीन आदमी अथवा का मतलब होता है ये बराबर, कितनी औरतें, 5 औरतें दोनों है ना, अगर ये अलग अलग, अगर 3 आदमी करेंगे तो ये 12 दिन में कर देंगे, और वही काम अगर 5 औरतें करें तो कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में कर देंगे। तो ये लिखने की कोई बात नहीं, तो काट देते हैं ऐसे। ओके, यहाँ से तुम क्या करो, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लो। तो कितनी आ जाएगी मैन और वुमेन की एफिशिएंसी, आ जाएगी 5/3। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5/3। अब देखो तुमने पढ़ा होगा कि टोटल वर्क जो हमेशा होता है ना वो होता है एफिशिएंसी इनटू डे। तो मैं तुमसे कहूँ पता टोटल काम था कितना आखिर, जो 3 आदमियों ने या फिर 5 औरतों ने करा। तुम कहो सर आदमी की एफिशिएंसी जैसे 3 आदमी थे, ठीक, एक आदमी की एफिशिएंसी पुनः निकाली कितनी आई है, 5, तो यहाँ 5 से गुना कर दो। अरे इसने कितने दिन तक काम करा, इसने जी 12 दिन तक काम करा, तो ये तो हो गया अपने पास टोटल काम। ओके, ये हो गया अपने पास टोटल काम। अभी करवाने किससे, 6 आदमी या फिर 5 औरतों से, तो बटे में इसे भाग कर दो, 6 आदमी प्लस में 5 औरतें। देखो इसमें गुणा मत करो, अभी कट जाएगा ये ना, ऐसे लिख दो। मैन की एफिशिएंसी रखो, मैन की एफिशिएंसी कितनी आई है, 5 तो 6 5 30। ठीक है, वुमेन कितनी आई है, 3 तो 3 5 15। 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45। सही है जी, 5 5 45। ठीक है, 3 3 9, 3 4 12, कितने दिन आ गए, 4 दिन आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, देखो दोबारा देखते हैं। मैंने क्या कहा, 3 आदमी या फिर 5 औरतें एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करती हैं, तो यहाँ लिख लिया भाई 3 आदमी या फिर 5 औरतें कितने दिनों में, 12 12। अगर ये अलग अलग रहता तो यहाँ अलग अलग दिन लिखते हैं, यहाँ सेम दिया तो मैंने सेम लिख दिया, 12 से 12 काट दिया। मैंने और वोमेन का रेशियो निकाले उनकी एफिशिएंसी का, कितना का, 5 और 3। अब आखिर ये तो मालूम हो टोटल काम कितना है, तो एक फॉर्मूला होता है ये, मतलब पढ़ा होता है सबका, टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी ए टू डेज। एफिशिएंसी कितनी दी हुई है किसकी भाई, अगर देखो तुम अगर ऐसा करते ना कि सर यहाँ 5 रखते तो तब भी आंसर आ जाता, 5 गुना वोमेन की एफिशिएंसी कितनी आई है, वोमेन की आई है 3 और गुना में 12, और फिर तुम उससे भाग करते तब भी सेम ही आंसर आता। लेकिन मैंने यहाँ सब जगह मैन ही मान लिया, मैन की एफिशिएंसी 3 है
ठीक है, सॉरी मैन की वैकेंसी 5 है और 3 आदमी थे, 12 दिन में इतना काम करेंगे, और उसे भाग कर दिया जिनसे काम करवाना है, आंसर आ जाएगा सही। नेक्स्ट सही है। देखो इसमें क्या कह रहा है ये कि एक नल किसी टंकी को 8 घंटे भर देता है, दूसरा वाला इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है, बट दोनों नल एक साथ अगर टंकी खोल दी जाए तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल सा, देखो ये भरने वाला है और खाली करने वाला इसे कितने देर में खाली कर रहा है, 16 घंटे में खाली कर दे रहा है, ऊपर बार लगा दो जो खाली करने वाला है, एलसीएम कितना आ जाएगा 16, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 घंटे, इसकी कितनी आ गई 1, ये खाली कर रहा है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यार टंकी को भरने में कितना समय लगेगा जब दोनों एक साथ लग जाएंगे, यानी अगर मैं चाहूँ इसे ए बोल दूँ इसे बी बोल दूँ तो दोनों को भरने में मतलब काम कितना करना है 16, दो में से एक जाएगा एक, भाई दोनों मिलकर काम करेंगे, ये तो भरेगा अपने दो, ये एक खाली करेगा, तो कुल मिला गया कितना भरा जाएगा, एक भरा जाएगा, एक के हिसाब से कितना टाइम लगेगा दोनों को 16 घंटे लगेंगे सही है। एक शॉर्ट देखो, जब इस तरीके से सवाल है तुम कुछ नहीं करो 8 गुना में 16 लिख दो है ना, जब खाली करने वाले रहे ना तो घटा के लिखना है, और जब दोनों भरने वाले हैं तो जोड़ के लिखना है। क्या कहा मैंने कि भाई यहाँ पे 8 घंटे दिया हो तो 8 लिख दिया, जो खाली करने वाला है तो यहाँ पे मतलब घटा के लिखना है ना, और जब दोनों भरने वाले हो तो प्लस करके, तो अब दोनों घटा के लिखेंगे इसके बढ़ने में, 16 में से 8 जाएगा 8, 8 से 8 काट दो कितना आंसर आ जाएगा 16 घंटे में भर जाएगा सही है। दोनों तरीके से करवा दिया मैंने। देखो नेक्स्ट कह रहा है किसी संख्या का 3/7 का 2/5 यदि 187 है तो वह संख्या कितनी होगी। किस संख्या का, मान लो कोई एक संख्या है x, x का कितना 3/7 का कितना 2/5 क्या है 187 है, तो बताओ संख्या कितनी, x का वैल्यू निकालनी काट दो भाई कट जाएगा 3 6 18 ये पॉइंट हमारा, किसी संख्या का 3/ अच्छा ये उधर जाएगा ना यार, चलो कोई नहीं, देखो x बराबर कितना जाएगा 187 गुना 5/2 अरे कैसे कटना चाहिए था यार यहाँ से 3 6 18 किस संख्या का 3/7 का 2/5 यदि 187 है, सही तो कर रहा था 3/7 का 2/5 तीन से काटो 3 6 18 कट ही नहीं रहा, क्या कर पड़ा इसमें, एक बार जरा दोबारा देखते हैं एक बार, कोई नहीं किसी संख्या का 3/7 का 2/5 यदि कितना है 187 है तो वह संख्या कितनी हो जाएगी। क्या कहा कि संख्या के 3/7 का 2/5 सही तो है, या 7 5 35 रखो या 3 2 6 रखो, पर ये कट नहीं रहा और ऑप्शन में कटने वाली वैल्यू आनी चाहिए, किसी संख्या के 3/7 का कुछ गड़बड़ है भाई सवाल के अंदर है ना, इसे चलो बाद में देखते हैं एक बार नेक्स्ट सवाल देख लेता कुछ गड़बड़ है इसमें है ना, आंसर इसमें कोई सा भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखो कह रहा है कि a बटा 3 बराबर है b/4 बराबर है c/7 तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करो है ना, बटे में सी है तो देखो जो ये दिया हुआ था ना ये बटे में, तो ये a की वैल्यू है ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू, ऐसे करना जल्दी बन जाएगा है ना, तो कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी 7 4 और 3 7 4 11 और 3 14 बटे में c भी तो दिया हुआ था, c का मान कितना है 7 7 से इसे भाग कर दो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा खत्म सही है। नेक्स्ट देखो अच्छा ये सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का है, क्या कह रहा है कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी। मेरी बात सुन ध्यान से, देखो पूरा सवाल है ना मतलब क्या चला गया तुम्हें ये पूरा, आ जाओ भाई आ जाओ आगे देखो सुनो मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें ये पूरा सवाल है सॉल्व नहीं करना, ये पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना, क्या करो कि थीटा की वैल्यू ना 0 पुट कर लो, थीटा की वैल्यू 0 पुट करते ये पूरा 0 हो गया है ना, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ठीक है, इसे भी 0 पुट करो तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये 0 हो जाएगा, 1 + 1 कितना आंसर आ जाएगा अपना 2। वैसे भी कर सकते हैं कि भाई पूरा पूरा फॉर्मूला खोलो कि जी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, उससे बन जाएगा, उससे करके दिखाता हूँ चलो देखो, क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा सही है, ये सारा का सारा नहीं कटेगा कट जाएगा कट गया, देखो कोस स्क्वायर साइन ये कितना जाएगा 1
ये भी कितना जाएगा, साइन का थीटा प्लस कोस का थीटा भी कितना जाएगा, वन, और वन और वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। देख लो ऐसा कर लो, और वरना है ना ऐसे वाले सवालों में ना वैल्यू है ना पुट कर लिया करो, आंसर आ जाता है सही। ठीक है, ये देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, तुमसे कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करो, एक्स हमें जो जो भी क्वेश्चन मार गया इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तुम्हें ना। तो देखो क्या करना है, ये पावर चार है तो कितना आ जाएगा इसका, दस आ जाएगा, तुम्हें बता रही है ये चार है ना, तो जब इसका रूट लोगे तो कितना जाएगा, दस ही आ जाएगा। ठीक है, पर अपन में क्या है, सौ की पावर अपन बोल देते हैं, एक्स मान देते हैं। ठीक है, ओके, इससे भी है ना इसका बेस बना लो, जैसे इसकी पावर एक है तो इससे भी बेस सेम कर लो, कितना आ जाएगा, यहाँ दो आ जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा, कितना बन जाएगा, दस की पावर दो एक्स, और यहाँ बन जाएगा दस की पावर एक, दो दो बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम रहेंगे, पट रखा होगा ये एक बराबर कितना जाएगा दो एक्स, एक्स बराबर कितना जाएगा एक बटे दो। सही है जी, कोई दिक्कत, आसान है, नेक्स्ट देखो, मैं कहाँ जा रहे हो। ठीक है जी, नेक्स्ट बस जी, इतने ही सवाल थे, धन्यवाद।